आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन कर रहे हैं, HCF ऑफ 231 एंड 396। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में हम समझेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इनके फैक्टर करेंगे 231 एंड 396। इसके साथ ही दोस्तों आप जानते हैं फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना प्राइम नंबर्स का डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर लिख देता हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो देखिए इसमें आपका 2 का डिवाइड हो रहा है। किसी भी नंबर को देखते ही कैसे पहचाने कि उसमें 2 का डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसको यूनिट डिजिट देखकर। ये किसी नंबर का यूनिट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो, यानी लास्ट का अंक, ठीक है, वे संख्याएँ आपकी 2 से डिजिबल रहती है। तो इसमें हमने 2 का डिवाइड किया। यहाँ पे आप ऐसे डिवाइड कर भी सकते हैं, लिख कर भी, 396 में 2 का डिवाइड किया, कितना 1 टाइम हो गया, 2 आ गया, माइनस किया 1 आ गया, 9 को यहाँ ले आए, कितना 9 आर हो गया, 18 आ गया, माइनस किया 1 आ गया, 6 को यहाँ ले आए, कितना 8 आर हो गया, 16 आ गया, माइनस किया 0 आ गया। जितनी बार आपका डिवाइड हुआ है वो इसके नीचे लिखना है। फिर हम इसमें 2 का डिवाइड करें, कितना 9 आर हो गया। अब इसमें आपका 3 का डिवाइड हो रहा है, कितना 3 आर। फिर इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, कितना 1 आर। 11 देखिए आपका एक अभाज्य संख्या है जो 11 से डिवाइड होगा 1। इसकी बात करें तो ये आपका 3 से डिजिबल है, कितनी बार 7, 3, 21 और अगेन 7, 3, 21। अब ये आपका 7 से डिजिबल है, कितना 1 और 1 बार। 11 से डिजिबल है, कितना 1 बार। हमें क्या चाहिए दोस्तों, अपना यहाँ पर HCF चाहिए। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है, हमें ऐसा फैक्टर लेना है जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, कौन है 3। उसके बाद अगेन देखिए 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 33। यही आपका यहाँ पर क्या है, HCF। ओके, तो इस तरीके से आप अपना HCF फाइंड कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। सुरेंद्र खिलेरी।